रैलियां करने, भाषण देकर आकर्षित करने के लिए तो सचिन पायलट काफी हैं। विपक्ष के मुद्दों को कांग्रेसी नेता नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने झंडा बुलंद कर रखा है, जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की इस बगावत के बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत रखता हो। भाजपा के वरिष्ठ नेता और इस्तीफा दे चुके राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भाजपा की भजन लाल सरकार के लिए आत्मघाती दस्ता बन चुके हैं, जिन्होंने भजन लाल की पर्ची सरकार की नाक में दम कर रखा है। किरोड़ी लाल मीणा वैसे तो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन जब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हो जाता है तब तक वो कृषि मंत्री बने रहेंगे। इसी के चलते पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करने का मामला उठाया और इसके बाद सरकार ने लीपापोती करते हुए मंत्रियों की एक कमेटी बना दी। इस कमेटी में संयोजक मंत्री जोगाराम पटेल हैं और बाकी सदस्य मंत्री हैं। ये सभी मिलकर इस बात का परीक्षण करेंगे कि जिस एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए एसओजी ने अनुशंसा कर दी है उसको रद्द किया जाए या नहीं किया जाए। मजेदार बात यह है कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए शुरू से ही किरोड़ी लाल मीणा सरकार से मांग करते रहे हैं। उन्होंने ही एसओजी को इस भर्ती परीक्षा रद्द करने के लिए तमाम जरूरी दस्तावेज दिए और उन्हीं के आधार पर जांच कर एसओजी ने दर्जनों एसआई दबोच लिए। आज कई ट्रेनी एसआई जेल में हैं, जबकि उन्हीं किरोड़ी लाल मीणा को इस कमेटी में नहीं लिया गया। इससे किरोड़ी लाल मीणा इतने नाराज हुए कि सरकार के खिलाफ खुलकर बगावत कर दी है। उन्होंने साफ कहा है कि एक कमेटी सिर्फ लीपापोती करने के लिए बनाई गई है। इस कमेटी को न तो इस भर्ती परीक्षा के बारे में जानकारी है और न ही इस भर्ती को रद्द करने का अधिकार है, तो फिर कमेटी बनाकर लीपापोती क्यों की जा रही है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी कहा है कि चाहे फर्जी डॉक्टर का मामला हो या अन्य किसी भी तरह की गड़बड़ी हो, हर बार उन्होंने सबूतों के साथ मुख्यमंत्री को अवगत करवाया है, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि किरोड़ी लाल ने पहली बार किसी मामले को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, बल्कि दर्जनों ऐसे घटनाक्रम सामने आ चुके हैं जब किरोड़ी लाल के कारण भाजपा की भजन लाल सरकार सवालों के घेरे में है। किरोड़ी लाल ने आरएएस भर्ती 2018 और 2021 को लेकर भी सवालों में लिया है। उन्होंने सरकार से इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। सीबीआई जांच की मांग भी किरोड़ी लाल की नई नहीं है, बल्कि गहलोत सरकार के दौरान से ही कर रहे हैं। तब भाजपा भी पेपर लीक को लेकर सीबीआई जांच की मांग करती रही है, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद भाजपा चुप है, जबकि भजन लाल की वीक सरकार एक भी ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। एक तरफ तो किरोड़ी लाल ने इस्तीफा देकर आधे अधूरे विभागों के सरकारी दायित्वों से मुक्ति पा रखी है, तो दूसरी ओर अपनी जनता को साफ संदेश दे दिया है कि उनके समर्थकों द्वारा उनका कहना नहीं मानने के कारण उन्होंने अपने वादे के मुताबिक मंत्री पद छोड़ दिया है। अब एक विधायक की हैसियत से जनता के तमाम सरकारी काम कर रहे हैं, तो साथ ही आवश्यक होने पर मंत्री के काम भी कर रहे हैं। किसी भी सत्ता के खिलाफ विपक्ष का काम विपक्षी दलों के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस 3 जगह बटी हुई है, जो विपक्षी भूमिका केवल सोशल मीडिया पर ही कर पा रही है। दूसरी तरफ जनता के तमाम मुद्दों पर किरोड़ी लाल मीणा मुखर हैं, यानी सरकार में रहकर सरकारी काम कर रहे हैं और सरकार में रहकर ही विपक्ष का काम भी कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार बने 300 दिन बीत चुके हैं, लेकिन विपक्ष की ओर से केवल बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं किया गया है, जबकि किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री का काम भी किया है, पार्टी के लिए प्रचार भी किया है और जरूरत पड़ने पर जनता के कामों के लिए सरकार के खिलाफ खड़े भी हो गए हैं। जो काम विपक्षी दल कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं कर पा रहे हैं, सरकार के सामने वो संकट किरोड़ी लाल मीणा पैदा कर रहे हैं, जबकि ये सब काम विपक्ष को करना था। विपक्ष में गोविंद सिंह डोटासरा भी किरोड़ी लाल के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यानी विपक्ष को भी अपनी राजनीति चलाने के लिए किरोड़ी लाल मीणा का सहारा लेना पड़ रहा है। पेपर लीक मामलों को उठाने के लिए मास्टर बन चुके किरोड़ी लाल ने तमाम भर्ती परीक्षाओं की जाँच सीबीआई से कराने, आरपीएससी का पुनर्गठन करने की मांग की है, जबकि यही बातें भाजपा किया करती थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद भाजपा अध्यक्ष, प्रभारी या अन्य कोई प्रवक्ता इसको लेकर एक शब्द नहीं बोलता। केवल किरोड़ी लाल मीणा इस बात पर अड़ी गए हैं कि तमाम मांगों पर काम होना चाहिए। देखिए होता क्या है कि जब विपक्षी नेता सरकार से किसी विषय पर कार्रवाई करने की मांग करता है तो उसे जनता नाजायज भी मान सकती है, लेकिन जब सरकार का मंत्री ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाता है तो जनता को लगता है कि ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जो विपक्षी वोटर होता है वो भी यही चाहता है कि सरकार की कमियां उजागर होनी चाहिए। रैलियां करने, भाषण देकर आकर्षित करने के लिए तो सचिन पायलट काफी हैं, लेकिन अध्यक्ष के नाते गोविंद सिंह डोटासरा को धरने देने चाहिए, अनशन करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। इन तमाम चीजों में कांग्रेस नेता फेल हो रहे हैं। विपक्ष के मुद्दों को कांग्रेसी नेता नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने झंडा बुलंद कर रखा है। इसके कारण सरकार की नाक में दम हो रखा है। सरकार और भाजपा के नेता न तो किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ कुछ बोल
पा रहे हैं और न ही उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत है। असल बात यह है कि आज राजस्थान भाजपा में या राजस्थान की सरकार में एक भी जिम्मेदार ऐसा नहीं है जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की इस बगावत के बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत रखता हो। इसके चलते भाजपा के बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा भाजपा की पर्ची सरकार के लिए आत्मघाती दस्ता बन चुके हैं, जिनके कारण भाजपा की सरकार ही कठघरे में खड़ी है और बिना मेहनत करे कांग्रेस इसका पूरा मजा ले रही है।